हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर लेके आए। आईबीपीएस क्लर्क प्री 2018 का रिजल्ट आईपीएस ने रिलीज कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो विंडो ओपन हो जाएगी। उसमें नेसेसरी जो भी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे तो आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा। ये जो एग्जाम थी आपके, ये 8th, 9th और 15th दिसंबर को कंडक्ट हुई थी। और इसका जो मेन एग्जाम है, अब मेन जो शेड्यूल्ड है वो कब है, 20 जनवरी को। तो टाइम बहुत कम है, जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो बिल्कुल पूरे जोर शोर से लग जाए, और जो बच्चे नहीं हो पाए हैं वो डिमोटिवेट नहीं हो, क्योंकि अगला जो कमिंग ईयर है ये आपका बैंकिंग सेक्टर के लिए आई थिंक हिस्टोरिकल रहेगा। इसमें बहुत ज्यादा वैकेंसीज आनी है, जैसे सरकमस्टेंसेस बन रहे हैं उससे लग रहा है कि ऑलमोस्ट जो पिछले 2 सालों में आपने देखी है उन दोनों को क्लब करके एक साल में, मतलब करीब करीब डबल प्रीवियस ईयर से इस साल आपको वैकेंसीज देखने को मिलनी चाहिए। तो डिमोटिवेट नहीं हो और पूरे जोर शोर से अपने नए 2019 में जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाए, हाँ जो सिलेक्ट हुए वो इसकी मेन एग्जाम की प्रिपरेशन करें, और जो बच्चे सिलेक्ट किसी वजह से नहीं हो पाए हैं वो 2019 की जो अपकमिंग एग्जाम है, जिसमें बैंकिंग सेक्टर, और मैं आपसे कहूंगा आप सभी एग्जाम दिया करें, बैंकिंग की भी सब दें और इंश्योरेंस सेक्टर, क्योंकि बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में कोई बिग डिफरेंस नहीं है। और आजकल जो एग्जाम्स है उसका देखा गया है कि प्री और मेन दो ही लेवल है। क्लर्क का लेवल भी बहुत अप हो गया है, ऑलमोस्ट पीओ के आसपास चला गया है। तो लेवल दो ही है, प्री एग्जाम एंड मेन एग्जाम। मतलब प्री आप ले क्लर्क लेवल का प्री का कोई पेपर उठा के देखें या उसका देखें आपके पीओ लेवल का, बहुत बड़े डिफरेंसेज नहीं रहे। तो पूरे साल में आई थिंक 12 से 15 एग्जाम्स कंडक्ट तो एटलीस्ट होती हैं, और अब तो ज्यादा होने लगी जब से ये पीजीडीबीएफ प्रोग्राम के थ्रू काफी बैंक्स लेने लग गए पीओ लेवल के, तो नंबर ऑफ एग्जाम्स और बढ़ गई, पॉसिबिलिटी भी बढ़ गई आपकी। और इस साल में नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो काफी बढ़ने वाली है, तो पूरे जोर शोर से बिना डिमोटिवेट हुए लग जाए, आपको ये 2019 आपके लिए अच्छा रहेगा। ईश्वर आपको कामयाब दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।